गाइस क्या हालचाल, हम लोग आ चुके हैं वापस से एक और सिटी स्काईलाइन 2 के एपिसोड के साथ में। सो गाइस अपनी सिटी के अंदर पॉपुलेशन हो चुकी है 8,500 और आज अपन कर देंगे 9,000। बाकी सिटी का हालचाल चल रहा है जबरदस्त और अपने को प्रॉफिट भी गाइस अच्छा खासा हो रहा है। लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पे हाईवे के थोड़ा सा साइड में ही अपन ने टाउन का सेटअप करा था और अपनी सिटी को इम्प्रूव भी करा था, और मैंने बोला था कि भाई सिटी के अंदर ना इश्यू आ रहा है स्पेशली एजुकेशन का, क्योंकि अपन ने अभी तक हाई स्कूल वगैरह बनवाए नहीं है लेकिन एलिमेंट्री स्कूल वगैरह सब है। अभी अपन चल के सबसे पहले भाई हाई स्कूल का सेटअप करने वाले हैं और उसके बाद अपनी सिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। तो चलो भाई, अभी तो मैं गाड़ी को जस्ट फॉलो करते हुए आ रहा था। अगर अपन चल के देखें यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल पे, ठीक है, जो कि अपने लास्ट टाइम ही यहाँ पे इंप्रूव करी थी। एलिमेंट्री स्कूल की गाइस जो कैपेसिटी वो अपने पास 700 जबकि एलिजिबल है 1500, मतलब अपने को और भी ज्यादा जो एलिमेंट्री स्कूल की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी अपन आज ट्राई करेंगे एलिमेंट्री और हाई स्कूल दोनों का सेटअप करते, क्योंकि हाई स्कूल के लिए देख लो यहाँ पे 800 बंदों की मतलब एलिजिबल स्पेस है यहाँ पे। तो मैंने जरा सोचा यहाँ पे थोड़ा सा कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं और एक एलिमेंट्री स्कूल ना, नहीं सॉरी हाई स्कूल बनवा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोकेशन आई थिंक हाई स्कूल के लिए बेस्ट रहेगी और यहाँ से ना बसेज वगैरह भी अपनी यहाँ पे जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो लोकेशन है ना यहाँ पे जो खाली सी पड़ी हुई है, ये वाली परफेक्ट रहेगी गाइस यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा ये वाला जो कॉर्नर है ना ये वाला भी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जो ये अपनी हाई स्कूल है ना गाइस, इसको अपन ना यहाँ पे कहीं पे बना देते हैं और मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करके बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे अपनी हाई स्कूल जो है बन चुकी है। अब अपने को बस रोड से कनेक्ट करने का है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और अपना जो रोड है ना एलीवे वाला रोड, तो अपना एलीवे वाला रोड है ये वाला, ठीक है, इसी से मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितनी भी सारी रोड्स हैं सारी एलीवे से मैंने कनेक्ट करी हुई है। पहले अपन इसके आगे से स्ट्रेट कर लेते हैं, और ही आलतू फालतू की ट्रीज मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि रोड के अंदर आ रही है। बाकी ट्रीज वगैरह डिलीट करते हुए चलना है क्योंकि इसके सामने ना पार्किंग वगैरह बनेगी। तो मेरे को ये वाली जो रोड है ना इसको यार यहाँ पे कहीं पे कनेक्ट करना है ये वाले कॉर्नर पर, उसके लिए ये वाले ब्रिज को अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दी है और यहाँ पे चल के देखते हैं जरा। अभी धीरे धीरे बंदे आपके ना आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब अपने को ना यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों का सेटअप करना पड़ेगा, और वो ये है जैसे कि यहाँ पे पार्किंग्स स्पेशली हाई स्कूल के सामने, और यहाँ पे स्पेशली बस स्टॉप्स, क्योंकि यहाँ पे बस की लाइन भी आ रही है ना अपनी। अगर अपन यहाँ पे चले तो ये देखो भाई दो दो लाइनें अपनी आ रही हैं यहाँ पे बसेस। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो स्टॉप मैंने यहाँ बनाया हुआ ना हाई स्कूल के इधर ही बना देते हैं ये वाला स्टॉप। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए जो कि सबसे बेस्ट रहेगा, तो मैं चलता हूँ भाई इधर। और मेरे को ना यहाँ पे कस्टम रोड बनाने की है। कस्टम रोड कहाँ मिलेगी भाई, ये रही। तो मैंने इसको ना यहाँ पे बना दिया है, चलो देखी जाएगी। इसके साइड में मेरे को ना बस और लगा के देखनी है, वो उसका भी सेटअप करके देखना है अभी। तो भाई इस पे मुश्किल ही बनेगी क्योंकि ये वाली पार्किंग वाली रोड है ना, इस पे सीन मुश्किल होएगा यार। इसके अलावा ना मैं वैसी पार्किंग दे दूंगा, शायद ये ट्रिक काम नहीं करेगी अपनी, जो मैं सोच रहा था वो ऐसे काम नहीं होएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बस स्टॉप्स देने लगा ना तो सीन क्रिएट होएगा। तो बेटर है कि इसको निकाल दो एंड इसकी जगह अपने को दो बस स्टॉप्स डालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो भाई अभी जाते वक्त इसको उठाते हैं और इधर चौथे निकलते हैं, और आते वक्त इधर चौथे निकलते हैं, ठीक है। अभी ये वाली बसेज जो यहाँ से होते हुए जा सकती है, बाकी मैं इनके लिए वे पॉइंट डालता हूँ भाई। ये वाली जो बसेज आएगी ना वो इधर की साइड से होते हुए आएगी एंड जाएगी भी इधर की साइड से होते हुए। चलो ये वाली चीज़ मैंने फिक्स कर दी है, और ये वाले जो स्टॉप्स थे ना इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ भाई डिलीट डन। थोड़ी पार्किंग अपनी यहाँ पर ये भी चल जाएगी, और ये यहाँ पर अपना स्टॉप हो ही गया। तो मैं एक काम करता हूँ कुछ टाइम के लिए इसके आगे से सब डिलीट कर देता हूँ फ्रीज वगैरह, क्योंकि यहाँ पे अपने को बहुत कुछ सेट करना है, क्योंकि हाई स्कूल के अंदर भाई बच्चे आने वाले पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स उनके लिए जगह होनी चाहिए। तो जैसे 34 यहाँ पे हो चुके, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे पहुँचने में, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से काफ़ी औसम चलनी चाहिए, थोड़ा सा लेफ्ट में करा है मैंने, कि शायद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कहीं से एक रास्ता निकाल देंगे बाद में। फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन शायद यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं राइट, मतलब यहाँ से एक रास्ता निकाल सकते हैं दूसरे साइड के लिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स सी, फिलहाल तो जो है बस अपनी भाई यहाँ पे पैसेंजर्स वगैरह जो ड्रॉप करके जा रही है, लेकिन इतना इनफ नहीं है, अपने को यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है पार्किंग्स वगैरह भी चाहिए। अब जैसे ये वाले कॉर्नर पर कुछ बन नहीं सकता है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, वो इधर चल के अपन डाल देते भाई ट्रिक एंड आई थिंक वन हेयर ऑल्सो। एक ट्री थी ना, कौन सी वाली थी, ये वाली नहीं थी, ये वाली थी शायद, यहाँ पे डालते हैं, डालता हूँ मैं। थोड़ा गहरा स्पॉट हो गया, जबकि इसके आजू बाजू से कुछ दिख नहीं रहा है ना। अपन ऐसा करते हैं कि मेरे पास ना कुछ छोटे छोटे से हैं भाई ये वाले, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे चलते हैं लाइन टूल पे, और यहाँ से पकड़ के इधर की साइड में अपने को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा चलते हैं पिन पे,
आई थिंक 3 एक अच्छी डिस्टेंस है जो कि लगेगा ठीक देखता मतलब देखने में। तो ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देता हूँ भाई, ठीक है ना, अभी कूल लगेगा। अभी देखते हैं ये वाली साइड में अपन और क्या कर सकते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे अपनी पार्किंग्स वगैरह होना स्टार्ट हो चुकी है, प्लस यहाँ के लिए कोई आइडिया है नहीं अभी। इस साइड में यार सारी सारी ट्रीज रहेंगे यार, इस साइड में निकल रखा हूँ कुछ भी। बस ये वाले कॉर्नर पे अपने को कुछ यार यहाँ पे पार्क भी हो सकता है भाई यार, है ना। एक सेकेंड यहाँ पे चलते हैं ना भाई, पार्क देखते हैं अपने पास कोई पार्क मिल जाएगा यार। ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे ये वाला ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ऐसा चाहिए यार जो कि इसके अंदर फिट बैठ सके। दे वाले ठीक नहीं बैठेंगे इसके अंदर, दे वाला कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया वैसे, इस साइड शायद बनाते तो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते ना अपने पास यहाँ पे डेकोरेशन पे बहुत कुछ है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ग्रास वाला ही उठा लेता हूँ। यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको ग्रीन ग्रीन बना देते हैं। मैं यहाँ पे एनर्जी लगा के बनाऊँगा इसको, ताकि बार बार मेरे को ऑप्शन फोन आ करे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा इस काफ़ी ग्रीन ग्रीन एरिया, ठीक है। इसके अंदर अपन थोड़ी सी चीज़ें मैनुअल कर देंगे, ऐसा करेंगे तो यार इसका ना थोड़ा स्मॉलर वर्जन होता ना तो ज़्यादा बेटर होता, मैं वो डाल देता। बाकी अब अपने को ना इससे काम चलाना पड़ेगा, ओके। तो एटलीस्ट ये वाली चीज़ ओवरलैपिंग तो घर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रखना पड़ेगा फिर मेरे को ऐसा सीन। और आई थिंक इसको भी पकड़ के मैं स्ट्रेट ही कर देता हूँ डोल भाई, और इसकी जो ट्रीज वगैरह डाल के और सीन भी यार बना सकते हैं यार बस देखा जाए तो। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ ज़रा, ये वाला सेक्शन नहीं वाला के लिए एक सेक्शन दे वाला ठीक दिख रहा है, करेक्ट। अभी ये थोड़ा सा श्रिंक कर दे, मतलब श्रिंक किया जा रहा हूँ, लंबा कर दे। चलो भाई इधर आ जाओ। ओ भाई साहब ये तो कुछ सही नहीं लगेगी, ज़्यादा हैवी ट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली ट्री हैवी वाली साइड में डाल सकते, जैसे कि ये वाली, ठीक है। बड़ी बड़ी ट्री डाल दी मैंने दो यहाँ पर, इसके बीच में कुछ इस तरह की ट्री चल सकती। तो अगर मैं ये वाली ट्री को थोड़ा नीचे कर दूँ तो सम हाउ इस ट्री को अपन नीचे कैसे करेंगे पता नहीं, मूव इट से कर सकते हैं शायद, लेट मी ट्राई बाय द वे। और ये अगर ना भी करेंगे ना तो चलेगा। एक सेकेंड यहाँ पे डेकोरेशन वाला जो पैच आया था ना उसके अंदर ये वाली चीज़ें आई थी ना, ये वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और इसके लिए ये वाला ऐड कर देता हूँ, ये वाला भी ठीक लग रहा है भाई। अभी मेरे को जाना है और ज़रा ट्री को सिलेक्ट करना है, और ट्री को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे लेके जाएंगे क्योंकि हाइट ज़्यादा ही लग रही है मेरे को कुछ। अभी अलग ही वाइब आएगी, ये देखो भाई ट्रीज की, ठीक है ना। अभी ट्री कुछ अलग ही दिखेगी यहाँ से, तो कि देखने में काफ़ी औसम भी लग रही है। इसके बीच में वो पानी का फुवारा जैसा रहता है ना कुछ, तो डेकोरेशन पे मिलेगा शायद से। इसके बीच में ये ऐड कर देता यार। वैसे वो डॉग पार्क वगैरह भी होते थे ना, वो किधर है, स्मॉल प्ले ग्राउंड टाइनी डॉग पार्क, डॉग पार्क इतना बड़ा है। और जिम भी होता था शायद से, एक सेकेंड जिम कहाँ मिलेगा, लार्ज प्ले ग्राउंड और जिम कहाँ पे होता था भाई, टेनिस कोर्ट, हाँ यार ये वाला जिम। एक सेकेंड यहाँ पे चलते हैं ना भाई, अनलॉक करते हैं ये वाला कोर्ट वाला अनलॉक कर लिया मैंने, लेट्स सी। जिम खुलवा देता हूँ भाई मैं इसके सामने, आउटडोर जिम। ओ माय गॉड ये ज़्यादा बड़ा है भाई, आउटडोर जिम सीरियसली, इसके अंदर भाई फिट आ जाता वैसे देखा जाए ना, बट कोई बात नहीं। अब एक लास्ट ऑप्शन मेरे पास है, ये ट्री वाली, या फिर अपने कुछ यूनिक बनाना है तो यहाँ पे कुछ एक रॉक्स डाल के छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे रैंडम रॉक्स डाल के और यहाँ पे छोड़ सकते हैं हम लोग। तो वैसे एक आइडिया भी आ रहा है मेरे को, एक सेकंड रुको जरा मेरे को कुछ ट्राई करने दो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रैंडम कुछ रॉक्स डालता हूँ, हाँ ये चल जाएगी, ये वाली कुछ एक रॉक्स चल जाएंगे अभी, ठीक है। इसके अंदर कुछ जुगाड़ बढ़ाते यार, ऐसा मैं पहली बार ट्राई करने वाला बाय द वे, लेट्स सी। ये देखना घास फूस से ना ये अलग ही वाइब आएगी इधर की। फिर बाद में अगर अपने को और भी स्पेशल बनाना है इनको, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पकड़ के और इनको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। एक यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, कॉर्नर पर डाल देता हूँ, इधर डाल देते, इधर डाल देते, इधर लगा देता हूँ, एक इधर घूम दो, यहाँ पर लगा दो, ठीक है। ओ भाई ये मस्त लग रहा है यार हाँ वैसे देखा जाए तो सही लग रहा है ये वाला। तो ये देखो इसके आगे का ना एरिया मैंने लगभग सेट कर दिया, थोड़ा पार्क वार्क सा बना के, ठीक है ना। अब मेरे को देखना भाई यहाँ पे काफ़ी बंदे खड़े यार देखा जाए तो, राइट। ये वाली बस लाइन दो नंबर की जो है, इस पर कितनी बसेस चल रही है, 3 बसेस चल रही हैं, और बस आने वाली ये वाली स्टॉप पे 26 पैसेंजर वेट कर रहे हैं भाई। इधर 10 थे इसके अंदर, 21 मतलब काफ़ी सारे बंदे जो इसके अंदर बैठ चुके हैं और कुछ एक बंदे उतरे भी हैं, तो कुल मिला के 21 बच्चे हैं। तो चलो अच्छी बात है, ये वाली लाइन अच्छी खासी चलेगी अपनी। और हाई स्कूल के अंदर 102 बंदे जो आ चुके हैं, और रूफटॉप पे अपन पार्क लगा सकते चाहे तो, जो कि मैं लगा देता हूँ, कूल लगेगी बिल्डिंग देखने में। पैसा
अपने पास बहुत है, टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने इसके ऊपर टेनिस कोर्ट वगैरह वो भी बना दिया है यहाँ पर खेलने के लिए। मेरे हिसाब से ये अच्छी खासी लोकेशन जो है सेट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत है नहीं अपने को। बाकी जो बचा वाला एरिया था, वापस से मैंने इसके अंदर ट्रीज वगैरह फिल कर दी है जो कि पहले थी यहाँ पर। ये वाले एरिया के अंदर अपना अच्छा खासा कॉर्नर पे हाई स्कूल जो है सेट हो गया, क्योंकि इसकी अपने को डिमांड थी। अभी अपने अपन चलते हैं ये वाली साइड में, और आज अपने को थोड़ा इधर भी एक्सपेंड करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिन पे अपने को ध्यान देना है, जैसे कि ऑफिसेज की थोड़ी सी अपने पास डिमांड आ रही है, तो अपन जाने वाले ये वाले एरिया के अंदर और यहाँ पे थोड़ा सा सीन सेट करने वाले। जैसे कि अपना बस का स्टॉप एक यहाँ पे, फिर नेक्स्ट जाके अपना बस स्टॉप है ये यहाँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, एक बस स्टॉप ना यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और वो मैं क्यों दे रहा हूँ अभी देखते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे ऐड करके और ये वाला स्टॉप यहाँ पे, ठीक है ना। अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से कहीं से उठा लेते हैं अपन और इसको कनेक्ट कर देते हैं। यार ये वाला आर पार देना मेरे को इधर तक, गलती से एनर्जी जो है अपनी ओम थी। ओके एनर्जी ओम देना, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ये ठीक है, या फिर ऐसा करो भाई कि इसको भी डिलीट कर दो, यहाँ पे बना दो दोबारा से। तो चलो ये वाला एरिया मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मेरा प्लान यहाँ पे कि यहाँ पे ना एक पार्क और बनाने का प्लान है मेरा, ये वाले सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक पार्क बनाता हूँ और फिर यहाँ पे बाकी की जो ऑफिसेज वगैरह वो भी अपन ओपन कर देंगे। तो चलो पहले चल के ये वाले सेक्शन के अंदर मैं ऑफिस खुलवा देता हूँ, एंड इसके पीछे से भी अपन खाली रखते हैं, क्योंकि इनके बीच में ना मेरे को ट्रीज डालनी है वापस से, सही करके मतलब एकदम अभी आ जाते हैं वापस से। तो थोड़ा सा ना ऐसा भी रहेगा कि घूमने फिरने के लिए भी काफ़ी स्पेस रहेगा यहाँ। वैसे लार्ज वाला नहीं बना अपना भी, है ना यार। ये वाला पार्क बिठा देता हूँ यहाँ पर, बस थोड़े ऑफिस अपनी छोटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। बाकी पार्क जो है काफ़ी औसम है, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं, कनेक्ट कर ही देता हूँ। वैसे मेरा प्लान तो नहीं था उधर कनेक्ट करने का, बट चलो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे पार्क में मस्त कनेक्ट हो चुका है। वैसे पार्क के अंदर से लोग जा सकते हैं, और वैसे ये एक अच्छा आइडिया यार, पार्क के अंदर से लोग जाएँ रादर देन कि यहाँ से। बट मैंने यहाँ पे भी डाल दिया ऑप्शन कि भाई तुम लोग यहाँ से जा ही सकते हो, मतलब ठीक है। या फिर इस है कि मेरे पास एक बड़ा वाला होता ना यार, ये वाला परफेक्ट आ रहा है गाइस। ओह नो, ये वाला परफेक्ट आ रहा है। एक सेकेंड, एटलीस्ट एक साइड तो मैं फोर्स करता हूँ भाई इनको कि भाई पार्क का यूज करके जाओ, इस साइड में जा रहे हो तो ये वाला आइडिया तो बेस्ट रहेगा। एंड वाई नोट कि अब अपन बना तो रहे हैं, खैर तो आ जाते हैं इधर भी। बिल्डिंग के साइड में स्नैप नहीं करना, सेंटर पर रखो। ये वाला स्ट्रेट होए तो ज़्यादा बेटर है वैसे, ठीक ऐसे भी चलेगा। मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके ये वाला भी ठीक है, यहाँ से भी बंदे उतर के क्रॉस करके और सीधा निकल सकते हैं इस साइड के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा जो एरिया घूमने फिरने के लिए अपना बन जाएगा। दूसरा मेरे को यहाँ पे ऑफिस डाल ले, और यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे रखना है मेरे को ट्रीज के लिए फिर से। उसके लिए अपन सही से सेटलमेंट करेंगे। लेट्स गो, आई थिंक फोर का यहाँ पे खोल दो, फिर मैं खोलता हूँ 4x3 का, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ओपन करेंगे थोड़ा बड़ा, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो, जो कि मेरे को लग रहा नहीं है पॉसिबल होगा। वैसे उसकी डिमांड चली गई, सॉरी 2x2 का देख लेंगे बाद में कुछ बनता है तो। बाकी फिलहाल मैं चल के इनके बीच में ट्री सेट कर देता हूँ। गेम के अंदर फिलहाल एक ही ट्री है जो सबसे बेस्ट है, ग्रीन ग्रीन जिससे दिखता है, और वो वाली ट्री यही है भाई। बीच बीच में ये भी अपन डाल सकते हैं थोड़े थोड़े से, जो जो स्पेस तो मैंने छोड़ा है बीच बीच में। थोड़ा थोड़ा सा एरिया अपने पास ग्रीन भी हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जो है पार्किंग के लिए, मतलब सॉरी पार्किंग बोल रहा हूँ मैं, पार्क बना दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लोग जो घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हैं। बाकी ये वाले एरिया के अंदर कुछ अलग से पार्किंग नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर रोड्स वगैरह हैं यार काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अगर रुक सकते हो। और वैसे भी ज़्यादातर लोग जो है बसेस का यूज करके आने वाले हैं, तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये वाला सेक्शन जो थोड़ा सा अपना और रेडी हो चुका है, बाकी इंडस्ट्रीज़ की एंड देन ऑफिसेज की और भी ज़्यादा अपने पास डिमांड्स हैं, तो उन सब को भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑफिसेज तो बेसिकली ये वाले सेक्शन पे ही रखने का प्लान था मेरा। चलो भाई अब बना तो रहे हैं अपन, आ जाते हैं इधर। यहाँ पे मैंने पीछे एक सेक्शन बना के रेडी तो करे हैं। तो गाइस यहाँ पे अपनी रोड बन के एकदम रेडी हो गई, मैंने यहाँ पे ये रोड कनेक्ट कर दिए। जैसे मैं रोड बना रहा था गेम क्रैश हो गया था, तो मैंने ये वाले रोड बना के एकदम रेडी कर दिए। अभी अपन चलते हैं, और यहाँ पे ना थोड़ा सा ना प्लान मैं ऐसा बना रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पे जैसे अपन ने थोड़ा प्लेग्राउंड टाइप, थोड़े पार्क टाइप ये अपन ने डाल दिया है, मतलब प्लेग्राउंड तो नहीं, थोड़े पार्क टाइप अपन ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग एरिया खुलवा देता हूँ इस साइड में, इसके बीच में मिक्स करेंगे अपन ऑफिसेज और शॉपिंग एरिया, क्योंकि मेरे को ना हर जगह सेम चीज़ें नहीं बनवानी, थोड़ा मिक्स करके बनवाना है।
तो यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे चल के अपन थोड़ा सा शॉपिंग एरिया खुलवा देते हैं जरा जे वाला, ठीक है। लेट्स सी ये वाला एरिया कितना जो है कूल बनता है बाहर होगा। यहाँ पे मैंने ये बनाया तो है, अभी यहाँ पे चल के ये वाला सेक्शन और डाल देता हूँ मैं। तो देखो भाई ये वाले कंप्लीट सेक्शन के अंदर ना बन के शॉप्स वगैरह रेडी हो जाएगी। साथ साथ मेरे को क्या करना है, जैसे ये वाला सेक्शन इसके अंदर मैं कुछ नहीं बनवाने वाला हूँ, यहाँ पे सारी सारी ट्रीज रहेगी। तो भाई ट्रीज रहेगी तो इसी बात पर अपन यहाँ पे चल के और ये वाले सेक्शन के अंदर ट्रीज फिल कर देते हैं। और शायद मेरे को सॉन्ग की आवाज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो मल्टीपल पे चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से मैं ऐसा फिल कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अपन नहीं बनवाएंगे हाउस, मतलब कि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बाकी की ट्रीज वगैरह रहेगी, यहाँ थोड़ी सी डेंसिटी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। और इस साइड में भी स्पेशली मैं कुछ नहीं बनवाने वाला हूँ पीछे साइड में, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन के अंदर अपने को चल के ऑल्सो सेट करना पड़ेगा। और साथ साथ जैसे यहाँ पे अपना बस स्टैंड हो गया तो इस साइड में लोगों को आने के लिए तो वो यहाँ से आएंगे फिर यहाँ पे जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ यहाँ से सीधा पाथ निकाल देता हूँ ये वाली बिल्डिंग की साइड से, यहाँ पे चलते हैं और इसके बाजू से फटाफट से अपन एक पाथ जो है कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इसको स्ट्रेट यहाँ तक ले लेता हूँ और फिर तिरछा कनेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा रेलिंग्स वगैरह लग गई, कोई बात नहीं, लग जाता खड्डा हो गया बाहर उधर चल के। तो यहाँ पे चलते हैं और इसके बीच में मेरे को फटाफट से जो बिल्डिंग सेट करने की, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये वाली सारी सारी शॉप्स बन जाएंगी अपनी। इस साइड से वैसे बिल्डिंग्स बनेगी नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस साइड से बनवानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे ये वाली एक बिल्डिंग ये शॉप्स की दे देता हूँ और एक बिल्डिंग दे दूंगा गाइस ऑफिसेस के लिए, ठीक है। तो ये लो ये काम डन हो गया यहाँ पे। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं बनवा रहा हूँ। अब बचा ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो ये वाले कॉर्नर के अंदर अपन चल के डेफिनेटली बनवाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अपन ऑफिस खुलवा सकते हैं, क्योंकि अपने पास काफ़ी सारा ज़्यादा जो है डिमांड आ रखी है। तो ये वाले सेक्शन के अंदर अपने बन जाएंगे इज कम्प्लीट ऑफिस। तो अभी देखो ये वाला एरिया ऑलमोस्ट लगभग अपना डन हो चुका है, बाकी आने जाने के लिए मैंने सारी चीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर दी हैं। और ये देखो भाई चल रहा है ना, एकदम गजब चल रहा है ना यहाँ पे सीन। ओके तो यहाँ पे फिलहाल मेरे कोई घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी यहाँ पे दिखेंगे। वैसे यहाँ पे लोगों ने टेंट वगैरह ताने हुए लेट्स सी। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, ये वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का था। और वो इंप्रूवमेंट ये था कि इस साइड से हाईवे से अगर किसी को इधर जाना है तो वो नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ से सारे सारे सेक्शन ना या तो इधर जा रहा या फिर इधर जा रहा है, स्ट्रेट इस साइड में नहीं जा रहा है। पर यहाँ के लिए मैंने अलाउ भी नहीं करा, वैसे मैं कर सकता अलाउ तो यहाँ से घूम भी जा सकता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं करना चाहिए अपने को। यहाँ से एक रोड घुमा देते सीधा इधर तो वो कूल भी लगेगी थोड़ी ज़्यादा। तो चलते यहाँ पे हाईवे पे और सिंगल लेन रोड अपने को ओनली कनेक्ट करने की है। तो आई थिंक अपने को चाहिए ये वाला ऑप्शन कि यहाँ से चलते थोड़ा सा इधर, फिर थोड़ा सा इधर चलेंगे एंड थोड़ा सा इधर, और उसके बाद इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है सिंपल। तो ये लोग एक सेक्शन मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और बस ये वाला लेफ्ट जाने के लिए और इधर से सीधा इधर, ठीक है ना, इस साइड में। यहाँ से भी अपन उधर नहीं जाएंगे, तो ये एकदम मेरे को कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ा और यहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। और इस साइड के बंदों को अगर इधर वाले हाईवे पे जाना है तो ये तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो उनके लिए शॉर्ट यहाँ से पड़ रहा है, बट अगर जाना चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं घूम के, पूरा रास्ता है ये वाला ज़्यादा बड़ा पड़ेगा, बट यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर किसी को स्पेशली हाईवे से जाना तो ये वाला हाईवे यूज कर सकता है। तो चलो भाई इतना काम तो अपना रेडी हुआ, बाकी अपनी हाई स्कूल पे भाई 239 बंदे आ चुके हैं। तो अभी अपने को सीन क्या करना है कि जो अपनी एलिमेंट्री स्कूल है ना भाई, वो ऑलमोस्ट फुल पड़ी हुई है। यहाँ पे चल के देखे तो ये देखो भाई 700 यहाँ पे फुल है एकदम, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्कूल ऑल्सो अपने को चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि एक एलिमेंट्री स्कूल और खुलवा देता हूँ, क्योंकि अपने पास ना मीडियम वाली और एलिमेंट्री स्कूल, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है। एंड यहाँ पे अगर अपन चलें स्कूल पे तो यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल का देख रहे हो 1648 एलिजिबल है, जबकि 700 ही अपने पास है। तो मेरे पास इसके लिए एक बेटर प्लान है और शायद इसके अंदर फिर मैं चेंजेस वगैरह कर दूंगा, ठीक है ना। वो अभी अपन थोड़े दिन चल के देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि ये वाला कॉर्नर अपन उठा सकते हैं, ये वाला कॉर्नर परफेक्ट रहेगा, या फिर ये वाला कॉर्नर, ठीक है। ये वाले सेक्शन पे मैं बनवाने वाला हूँ चल के एक और एलिमेंट्री स्कूल। ओह माय गॉड, अपने पास पैसा नहीं है, पैसा जल्दी आ जाएगा, रफ्तार बढ़ा देते हैं। अपने को 150,000 करना है और मेरे को इन्हें अब की बार यहाँ पे देनी गई ये वाली बिल्डिंग सिटी एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है। ये वाली बनवाएंगे यहाँ पे। ओके भाई म्यूजिक चेंज करो भाई, यहाँ पे ये वाली बनवाएंगे। और इसके अंदर क्या कैपेसिटी थी, 1500 की कैपेसिटी गई इसके अंदर, ठीक है। तो अपना काम बन जाएगा, 1:48 हो गया ऑलमोस्ट, बस थोड़ी देर में काम होने वाला है। हो गया, नाइस। तो चलते हैं इधर एलिमेंट्री स्कूल पे और ये वाली जो हाई डेंसिटी वाली है तो मेरे को ये वाली यहाँ पे डालनी पड़ेगी। चलो डन सीन,
यहाँ पे मैंने बना दी और आई थिंक बनाते वक्त एनर्जी ऑफ था ना अपना, ठीक है बढ़िया। तो अभी देखो जैसे ये वाले कॉर्नर पे ये वाली शॉप्स छोटी हो गई, तो ये वाले थोड़ा सा ना सेंस नहीं बनेगा इसका। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अपन चलने वाले यहाँ पे, और ये वाला जो मिक्सड हाउसिंग है ना ये बनवाने वाला हूँ इसकी जगह, इसको अपन डिलीट करेंगे और यहाँ पे मिक्सड हाउसिंग बनने वाला है। या वैसे मेरा प्लान था एक बन जाए तो ज़्यादा बेटर, बट यहाँ पे लगता नहीं एक बन पाएगा, कोई बात नहीं दो बन जाएंगे एटलीस्ट। ये वाला सीन थोड़ा सा ना हाई डेंसिटी पे रहेगा तो ज़्यादा कूल लगेगा। तो चलो भाई अब मेरे को दिखाओ यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। 114 स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आ भी चुके हैं गाइस, बढ़िया। अब अपने को ना यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो यहाँ पे चल के जे वाली एलिमेंट्री स्कूल के अंदर अपन थोड़ा स्पेस कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है भाई, जिमनेशियम है गाइस, ठीक है ना, ये जिमनेशियम अपन बना सकते हैं ये एलिमेंट्री स्कूल पे। अब देखना ये मेरे को शायद से डबल स्पेस लेता है और इसको बनाने के लिए 8000 चाहिए। ओके तो मैं जा रहा हूँ डिलीट वाले ऑप्शन पे और जे वाले को मैं बिल्डोज कर रहा हूँ एक बार। श्योर यस, एनर्जी हटा दो। इस वाले को मेरे को डिलीट करना है, डिलीट नहीं हुआ ये, डिलीट ओके, क्योंकि शायद यहाँ पे एनर्जी की जरूरत, एनर्जी लगा के मैंने बनाया हो गई है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे चलते हैं और मेरे को ये वाली बिल्डिंग ऐड करनी थी 12000 में, तो बस 12000 होने ही वाला है अपने पास। तब तक स्टूडेंट्स वगैरह जो थोड़े इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। फिर बाद में ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे 500 का और इसके ऊपर प्लेग्राउंड वगैरह पे हम खुलवा सकते हैं, ठीक है, वो अपन थोड़ी देर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कूल बिल्डिंग है जो कि मैं बनाने वाला हूँ चल के। तो अपने पास देखो बैलेंस यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे चलते जिमनेशियम पे और 12000 ले गए, तो जिमनेशियम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं भाई। थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग है यार ये वाले पार्किंग को अपन शिफ्ट कर देंगे पीछे की साइड में, ठीक है। ज़रा मैं ट्राई कर देखता हूँ एक बार, गेम को कर देते गाइस स्टॉप, और ये वाली तीन बिल्डिंग डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो ये सारी बिल्डिंग्स मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह जो करने वाले भाई, कोई ऑनर की साइड नहीं करना है अपने को, इसके साइड में लाना है, ठीक है ना। यहाँ पे और एकदम परफेक्ट आ रही भाई बिल्डिंग, ठीक है। एनर्जी लगा के मैं बना देता हूँ इधर येलो कंसी, क्योंकि ये वाली रोड थोड़ा पंगा कर रही थी। तो यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग जो अपनी सेट हो चुकी है परफेक्ट, अभी स्टार्ट कर लेते हैं, एकदम फिट बैठ गया ना। यहाँ पे बच्चे जो खेल भी सकते हैं, प्लेग्राउंड अपन ने यहाँ पे बनवा दिया। और अगर अपने को इसकी थोड़ी और कैपेसिटी चाहिए ना, तो ये वापस से लगा दूंगा मैं 8000 में, आई थिंक एक वापस से लगा के बीच में थोड़ी सी ना ट्रीज वगैरह लगा देंगे, या फिर यहाँ पे एक गार्डन बना सकते हैं अपन, जो अभी अपन ने रिसेंटली बनाया था। कौन सा वाला था वो, लंबी बिल्डिंग नहीं है यार, ऐसा थोड़ा वैरायटी लानी पड़ेगी भाई इनको, ऐसे कैसे काम चलेगा, वैरायटी बहुत कम है अपने पास। वैसे ये वाला पार्क तो आ सकता है यार इस साइड में, अगर मैं एक्सटेंशन ना दूँ तो, पर अपने पास वैसे अभी थोड़ी कमी चल रही है पैसों की। वैसे यहाँ पे चल के अपन ये टेनिस कोर्ट वगैरह ये बनवा सकते हैं इधर ज़रूर, ठीक है। पर मेरे को एक एक्सटेंशन और देने का भाई इधर, और तब थोड़ी सी बढ़ा दो जरा, फटाफट से अपन ये वाला काम करेंगे। एक एक्सटेंशन विंग मेरे को डालनी है वापस से, लेट्स गो। चलो 600 कर दी मैंने, ठीक है ना। ये वाली पार्किंग इसके बीच में घुस जा रही है, बाकी मेरे को ये वाली पार्किंग ना इन लोगों के लिए रखनी थी। यार ये वाली ज़्यादा इधर आ जाएगी, वैसे मैं लगा सकता हूँ ये वाली पार्किंग इस साइड में, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये ज़्यादा अंदर घुस रही है उधर। देखो एडजस्ट तो हो चुकी है, एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एडजस्ट तो कर दिए। अब यहाँ पे अपन चाहे तो हाउसेज ले सकते हैं, चलो यहाँ पे ये वाले हाउसेज बनवाने को मैं ट्राई करता हूँ, थोड़े से ये वाले हाउसेज बन जाएंगे। चलो भाई वापस से मैंने यहाँ पे सब कुछ गाइज वापस से सेट कर दिया है, बस कसर है तो एक आधर ट्रीज की यहाँ पे। अभी ये क्या है ना, ये वाले जितने भी बुसेज है ना, ये थोड़े ना हाइट पे हैं, सीन की है, तो मेरे को इनको सबको ना सिलेक्ट करना पड़ेगा और इनको करना पड़ेगा गाइज डाउन, थोड़ा सा मेरे को इनको ना नीचे करना है, ठीक है, ताकि थोड़े ग्राउंड के अंदर चले जाएं। और देखने में जो सीन बनेगा ना वो खतरनाक लगेगा, ये देखो ऐसा लगेगा जैसे इसी के अंदर जो है बुसेज वगैरह उगे हुए, ठीक है, मस्त हो गया सीन, तो ये लगेगा गजब। चलो गाइज ये वाला एरिया जो अपना ऑल्सो सेट हो गया अभी, और यहाँ पे 989, ठीक है परफेक्ट। तो चलो आज अपना एजुकेशन वाला सीन लगभग गाइज डन हो जाएगा। बाकी अगर किसी को इधर जाना पड़ रहा है ना यार, उनके लिए काफ़ी बड़ा रास्ता पड़ रहा है ना, क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ, लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट करने से ना चीज़ें बेटर हो जाती है, तो ऐसा सुना था मैंने, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो बनता है। यहाँ से एक पाथ निकाल देता हूँ, अगर किसी को सीधा यू नो जाना हो स्कूल पे, इस साइड के लोगों को तो सीधा निकल सकते इधर से, तो ये काफ़ी गजब हो जाएगा सीन। अभी मैंने ये वाली चीज़ ऑल्सो यहाँ पे सेट कर दी है, देखो अपना जंक्शन सेट हो गया, ये वाला सेक्शन ठीक हो गया है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आज अपन ने वैसे बेटर कर दी हैं। तो अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पे क्या हुआ भाई, जाम लग रहा है क्योंकि रश आवर चल रहा है ना, दैट्स व्हाई। यहाँ देखो कितने सारे बंदे घूम रहे भाई, भयंकर बसेस के अंदर क्या क्या चल रहा है भाई, 26 वैसे ठीक है, 19
बंदे इधर उधर घूम रहे ठीक है, कुछ गाड़ियों के अंदर जा रहे, कुछ पैदल घूम रहे हैं ठीक है, इंजॉय कर रहे भाई लाइफ ठीक है। अभी अपने को नेक्स्ट क्या करना है कि जल्दी अपनी जो है माइलस्टोन्स वगैरह पहुंच जाएंगे कि हम लोग 14,000 पे पहुंचने वाले वैसे माइलस्टोन पे, तो हम लोग बाकी अभी अपन नेक्स्ट ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना ये साइड में चल के थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा लेआउट बना सकते हैं रोड्स वगैरह के लिए, क्योंकि बेसिकली अपनी जो है नॉर्मल चीज़ें अपनी ठीक हो चुकी हैं। वैसे अपने पास ऑफिसेज का और भी डिमांड है यार, और भी डिमांड है ना, हाँ तो कर ही देता हूँ एक काम पर, तो इसको क्लियर कर देता हूँ ऑफिसेज का, क्योंकि ये वाले एरिया के अंदर मैं वैसे कुछ नहीं बनवाने वाला हूँ, सारे सारे ऑफिसेज रहने वाले अपने, कॉर्नर वाली शॉप्स हो सकती है वो चलेगा, नहीं ये वाली शॉप्स नहीं हो सकती भाई, तो किधर चला गया भाई वो ऑफिस, इसके अंदर ऑफिस ही डाल के छोड़ देता हूँ मैं ठीक है, या फिर आएगा तभी डालना ऐसा करना है, फिलहाल इनको बनने देते फिर आएगा तभी देख लेंगे अपन लोग। तो अभी रस आवर चल रहा है तो थोड़े टाइम में ये सब क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है ठीक है। अभी अपन यहाँ पे आ जाते गाइस और फटाफट थोड़ा सा लेआउट रेडी कर लेते हैं, फिर ये वाले लेआउट को ना अपन नेक्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने एक रोड जो है बना ली है टॉप लाइन, ये वाली 4 लेन वाली ठीक है, मैं इसको बिल्ड करके दिखाता हूँ तुमको। तो अगर अपन यहाँ पे चलें और यहाँ से मेरे को 90 डिग्री मान लो लेना है जे साइड में, और इधर से लेना है जे साइड में, तो भाई ये वाले रोड के अंदर सीन क्या है कि इसके अंदर ऐसा सीन है कि जे वाले रोड सही नहीं बनी वैसे, सीन भी वैसे बताऊंगा, पर ये वाला थोड़ा सा चेंज करने का प्लान है मेरा, एंगल आई थिंक थोड़ा सा इधर लेते यार इसका ठीक है, थोड़ा सही नहीं लगेगा नहीं इतना थोड़ा चेंज करके बनाते हैं ओके। तो इसके अंदर मैंने रोड कैसे बनाई हुई है, इसके अंदर ना मैंने मेडियन दिया हुआ बीच में और दोनों साइड अंदर साइड पार्किंग दी हुई है ठीक है, और बाहर की साइड लेन दी हुई है, प्लस जो भी अपना डेकोरेशन वगैरह साइड में ठीक है। तो एक सिंपल रोड मैंने यहाँ पे बनाई हुई है जो कि देखने में काफ़ी कूल भी लग रही है, इसका अपन यूज़ करेंगे ना जब देखना, काफ़ी खतरनाक दिखेगी वाली। अभी अपन आ जाते हैं वापस से इधर, और जो भी अपने पास आई थिंक ये वाली सेम रोड अपन यूज़ कर सकते हैं वापस से यहाँ पर, बट इसने सारा ग्रिड ख़राब कर दिया बाय द वे, दिस इज़ नॉट गुड राइट। अगर ये देखो सारा ग्रिड ही ख़राब हो गया इसका ये तो बस ये ग्रिड वाला ही पंगा लग रहा है, इसलिए आड़ी तिरछी रोड्स ना इसमें सही से बैठती नहीं है, अदरवाइज तो सीन एकदम गजब वाला बैठ जाता है ये, क्योंकि मेरे को इसके हिसाब से बनाना था ये वाला, इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा फिर, छोड़ो चक्कर इसको स्ट्रेट बना देता हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रेट में एटलीस्ट भाई ग्रिड तो सीधा बन जाएगा, और कुछ नहीं तो बाकी चीज़ें देखी जाएगी। चलो भाई अब ये तो एटलीस्ट सही हो जाएगा अपना, इसके यहाँ से अपना पाथ वगैरह बन जाएगा ठीक है, वो मैं ग्रिड फिक्स कर दूंगा। अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब इसके पीछे चल के अपन डालेंगे सर्कल गाइस ठीक है, और यहाँ पे भी अपने हाउसेज वगैरह हो जाएंगे। बाकी अब इस साइड में अपने को आना है सेम टू सेम, तो यहाँ पे अपन चाहे तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर ना चाहे तो रहने भी दे सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे मेरे को उतना जो है ज़रूरी नहीं लग रही है वाली रोड, उसकी बजाय यहाँ पे अपन 60 डिग्री या फिर डिफरेंट वाली रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली रोड जो कि जा सकती है लगभग यहाँ पे, और इसका गुलाई बना के और ठीक कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी ठीक है ना, जैसे कि मान ले अपन हैं मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है समथिंग लाइक दिस, और कंटिन्यूस वाला टूल का यूज करके हम लोग करो बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये करो बन जाएगा जो कि रहेगा अपना समथिंग लाइक देश, और ये घूमते फिरते इसके चारों साइड से जाएगा ठीक है ना आगे की तरफ, फिर बाद में आगे एक्सपेंड कर लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी अपने को। बाकी अपने पास एक नॉर्मल बेसिक लेआउट तो बन के जो है रेडी हो चुका है, अब मेरे को करना है क्या कि हाईवे के इधर से भी जगह छोड़नी है, और ये वाले सेक्शन को लेके आना है लगभग यहाँ पर ठीक है, और अब मेरे को ना इधर से घुमा के इसके अंदर और कनेक्ट करने गए, तो मैं एक बार ये ना डिफ़ॉल्ट कनेक्ट करके देख लेता हूँ कैसा दिखता है। ठीक दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये लग रहा है मेरे को। बाकी ये वाली पार्किंग जो है थोड़ी सी देखा जाए तो ख़राब हो गई है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, ज़रा मैं कुछ ट्राई करके देख लूँ, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ या फिर इधर कर दूँ तो कैसा रहेगा डायरेक्शन चेंज नहीं 0 डिग्री वाली कैसी रहेगी, यहाँ पर 0 डिग्री वाली एक दूसरे के अंदर घुस रही है बाय द वे, अपोजिट साइड में राउंड पे देखा जाए तो कुछ अजीब बन गया ना, वैसे चल सकती कोई दिक्कत नहीं है, बस मार्किंग थोड़ी इधर उधर निकल गई है इसकी, या फिर ये वाला सर्कल अपने को थोड़ा सा बड़ा देना पड़े
या फिर यहाँ पे अपन ये पार्किंग वाला फीचर ऑफ करें। दो ऑप्शन अपने पास, मेरे को तो दोनों ही ठीक नहीं लग रहे भाई, ठीक लग रही भाई। ऐसे देखी जाएगी, चलेगी चलेगी नहीं दौड़ेगी, ठीक है दौड़ेगी क्या, ऐसा रख लेते भाई, चलता है भाई ऐसा चलता है इतना तो, ठीक है अगर चेंज करना तो मेरे को बताना। ठीक है फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, लेट्स गो नेक्स्ट चलते हैं। मेरे को चाहिए ये वाला ऑप्शन और 181 क्लिक करने, एंड अभी अपन चलने वाले एकदम स्ट्रेट, ठीक है जो कि नहीं है एकदम स्ट्रेट। इसको लाने वाले हैं 90, ठीक है, एंड इसके सेंटर पे कनेक्ट करने वाला हूँ मैं एकदम। इसके अलावा बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास, ठीक है गजब गजब वाले प्लान्स हैं जो कि मैं थोड़े देर दिखाने वाला बताने वाला हूँ तुमको। ओके अब चूंकि इतना बड़ा सेक्शन हमने बना तो लिया है, अब ये वाले को और कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना, शॉर्टकट बना देता हूँ थोड़ा सा। और इसके लिए अपने को पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बना दिया भाई मैंने, यहाँ पे पैदल निकल सकते बंदे इधर से। वैसे काफ़ी टाइम से अपन ने इसका भी यूज़ नहीं करा है देखा जाए तो, और पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पे वैसे भी अपन हाउसेज वगैरह बना सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है राइट। बाकी देखते हैं धीरे धीरे चीज़ें सेट ही बैठ रही हैं। और अब मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये वाला बस स्टैंड हो गया ना, यहाँ से एक पैदल रास्ता और देते हैं लोगों के लिए, ठीक है ना, एक पैदल रास्ता और बनाते भाई, क्योंकि काफ़ी खतरनाक रहेगा। आई थिंक यहीं से मैं हाइट पे ले लूँगा और इधर उतार दूँगा, ठीक है ना, ऐसा बना देता। या फिर ये रोड के सारे से लेना, रोड सारे से ले सकते वैसे हम लोग, फटाफट से बनाते हैं, लेट्स गो। हाइट ले लेंगे अपन 10 की ज़रूरत नहीं है, अपन लेंगे 7.5 लेंगे अपन, ठीक है 7.5 इट्स ए गुड नंबर। ट्रिपल टन, ठीक है 3 पे बना दिया मैंने वैसे ये, क्या मैं इसको मूव कर सकता हूँ? अब मेरे को ये देख लेना है कि भाई यहाँ से अलाइन होना चाहिए, मतलब ये लगभग ठीक ही दिख रहा है ना यहाँ से, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो हो रहा है, थोड़ा सा घुमाना है कि इधर साइड में, क्योंकि थोड़ा दिखना चाहिए ठीक ठाक सही। एंड थोड़ी सी हाइट अपन ऊपर ले सकते हैं इसकी, थोड़ी सी एटलीस्ट, इसके ऊपर कोई जा रहा है तो थोड़ा गाड़ियों का नज़ारा भी ले सके भाई, गजब लगेगा, ठीक है ना, चलो डन सीन। एंड अब वापस से मैं सारे ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं मेरे को, बिकॉज अब तो रास्ते नीचे उतारने भाई, आओ रास्ते नीचे उतार देते हैं, ठीक है ना। अभी देखो पाथ्स वगैरह मैंने बना के एकदम रेडी कर दिए, ओके ऑल्सो इसको भी अपन चाहे तो बैक साइड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बना के रेडी कर दी हैं, अभी लोग यहाँ पे इधर उधर आ जा सकते हैं ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि जैसे अपन ये वाला एरिया रेडी करेंगे ना, अब अपने को यहाँ पे चाहिए भाई बस लेन्स वगैरह, ठीक है। और अब आने वाले टाइम में तो गाइज यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह वो सब भी लगेंगी, ठीक है, तो उन सब के लिए अपने को सेटअप्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो उन सब के लिए जुगाड़ अपन क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखेंगे ना कि ट्रेन्स वगैरह का कैसे क्या अपन सिस्टम बैठाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे कोई आइडिया आ नहीं रहा है। फ़िलहाल तो अपन थोड़ा ट्रैम्स वगैरह से इतने एरिया को तो चलाते ना, एटलीस्ट मेरा प्लान तो यही है कि ये वाला एरिया पहले रेडी करते हैं इधर साइड में फिर देखते हैं भाई ट्रेन्स वगैरह क्या सीन है, क्योंकि अभी इतना बड़ा टाउन अपना हुआ नहीं है, जस्ट अभी हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट करना शुरू करा है। अब मेरे को ना बस स्टॉप्स डालने हैं भाई, और बस स्टॉप्स डालने हो रहे हैं अब चैलेंजिंग, समझ रहे हो तुम लोग, हैवी चैलेंजिंग है बस स्टॉप्स डालने हैं, क्योंकि अब रोड्स वगैरह अपने पास ऐसी हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ से अपन कोई बस चलाएंगे तो यहाँ से आएगी, इधर से होते हुए निकलेगी, ठीक है, और यहाँ से होते हुए निकलेगी तो मे बी यहाँ से कहीं से रुक के और ऐसे कहीं से निकाल देंगे वापस, ठीक है ना। ये लेकर आई थिंक एक अच्छा रूट बन सकता है मेरे हिसाब से, या फिर इधर से होते हुए और यू घूम के फिर निकल सकती है, तो ये भी एक कूल राउट हो सकता है। तो दोनों ही राउट मेरे लिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता बस इसके ऊपर चली जाएगी कि नहीं, नहीं जाएगी शायद ये वाले से बस, तो बस के लिए थोड़ा जुगाड़ हम लोग बना देंगे, क्योंकि स्मॉलर वाला है ना, स्मॉलर वाला पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, यस अपने को नॉर्मल वाला चाहिए इसके जगह। तो अगर मैं नहीं, ये वाले तो ग्रिड की ऐसे ऐसे करती भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर से तो बस जा सकती, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है ना। अब अपन क्या करने वाले भाई, इस साइड से आएंगे तो अपन सीधा आके इधर नहीं रुक सकते, स्टार्टिंग में अपन रुकेंगे यहाँ वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन को अपने को बनाना पड़ेगा गाइस डिफरेंट एकदम। तो अभी देखो विड्थ काफ़ी ज़्यादा है रोड की, तो यहाँ पे अपने क्या करना पड़ेगा कि एक रोड उठानी पड़ेगी जो कि 6 लेन वाली हो सकती है,
जो कि इसके हिसाब से थोड़ा ठीक बैठेगी, मेरे हिसाब से भी ठीक बैठेगी इसके ऊपर। तो इसको अपन ट्राई करते हैं एकदम सही से अलाइन करने का। ओके जी लो भाई, एक 6 लेन वाली रोड मैंने यहाँ पे बना दी है। और अगर अपन यहाँ से आ रहे हैं तो इस साइड में बेसिकली अपना स्टॉप रहेगा, तो वो सब मैं पहले ही सेट करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पे मैंने बना दिया है। अभी दूसरी साइड के लिए फिलहाल मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें ना कुछ अपग्रेड्स वगैरह देख लेते हैं फटाफट से। जैसे लेफ्ट साइड में मेरे को गाड़ी पार्क नहीं करनी है, ऑल्सो यहाँ पे ये वाला चाहिए। राइट साइड में कुछ अपने को खास करना नहीं है, तो भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ एक लेंस है जो यहाँ पे यूज हो रही है, कुछ एक लेंस जो यहाँ पे यूज नहीं होएंगी, क्योंकि यहाँ पे हैवी लेंस वाला सीन है, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ से घूम के वापस आ जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से पूरा घूम के और स्टॉप जो अपने रहने वाला वो यहाँ पर रहने वाला है, इधर डाल देता हूँ सीधा नेक्स्ट स्टॉप, लेट्स गो, इधर डाल दे भाई अब, है ना। अब वो देख लेंगे कौन सी साइड आ रहा है ये वाला। अच्छा इसमें भी कुछ इधर उल्टा पुल्टा वाला सीन तो नहीं है ना, अभी इसमें भी उल्टा पुल्टा हो जाए भाई, कुछ पता नहीं है। पेडेस्ट्रियन पाथ पे भी कई बार लफड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद में डायरेक्ट बस जो अपनी रुकेगी यहाँ पे, बस ज़्यादा स्टॉप्स नहीं देंगे, 3 स्टॉप्स ओनली। तो इसके सेंटर पे मेरे को ना कुछ तूफानी बनाने का यार प्लान है, मतलब तूफानी समझ रहे हो तुम लोग, तूफानी। तो तूफानी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैं पेडेस्ट्रियन रोड उठा लेता हूँ, वो भी स्मॉलर वाली, ठीक है। तो लगभग इसका सेंटर मेरे हिसाब से इधर ही कहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको ना इधर भी कनेक्ट कर लेता हूँ, और मान लो इतने सेक्शन को या फिर इतने सेक्शन को और कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला एक सेक्शन बन गया, बीच वाला भी एक सेक्शन बन गया, करेक्ट। अब सेक्शन सेक्शन हम लोग करेंगे जुगाड़, तो यहाँ पे चलते हैं। और ये वाले सेक्शन में तो खैर अपन नहीं ऐड कर सकते, तो यहाँ पे भी अपन सेम ही करेंगे। ओके तो क्या यहाँ पे 4 लेन वाले अगर मैं बनाऊँगा कैसे रहेगी? 4 लेन पे थोड़ा सिस्टम हिल जाता है, सीन ये है। 6 लेन वाली पे ठीक है, ओके। अंदर ही साइड से होकर निकल सकते हैं, या फिर डिवाइडर वाला तो एकदम फिट ही आ सकता है इसके अंदर। और बीच में एक सेक्शन भी रहेगा, मान लो कोई गलती से आ गया उसको वापस जाना है तो वापस भी जा सकता है। ये वाली चीज़ मेरे को काफ़ी बेस्ट लग रही है इसके अंदर, ये वाला सीन भी अच्छा है। सब ऑन कर दो, यस। अभी देखो मान लो कोई इधर से आ रहा है और उसको इधर जाना है वापस, तो यहाँ से जाके इस वाली लेन में से घूम के वापस भी जा सकता है। निकल के उधर वाला बंदा घूम के उधर वापस जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेक्शन बन चुका है, लेट्स गो। बस स्टॉप, तो अपन उधर से आने वाले थे घूम के, तो जाएंगे इस साइड से, ठीक है ना। इस साइड से अपन होते हुए वापस निकल जाएंगे, बाकी अपोजिट साइड अपने कुछ नहीं करने का है। वैसे इसके अंदर ना एक सीन और भी है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, अगर अपन चाहें तो इसके बीच में भी अपग्रेड कर सकते हैं। बट सीन ये रहेगा कि फिर ना ये वाला सेक्शन निकल जाता है स्पेशली जो बस के लिए होता है, तो मेरे को वैसा नहीं करना है, तो इसलिए मैं साइड में दे रहा हूँ इसको, और तो साइड में एक अपग्रेड डाल देता हूँ, क्योंकि अपने कुछ स्टॉप एक साइड में रखना है, दूसरी साइड में नहीं रखना है। तो मेरे को यार ये काफ़ी कूल लगा, ये बीच में से राउंड वाला, अगर ट्रैफिक को इधर उधर घूमना है तो इसके अंदर से चेंज हो सकता है। तो कहीं पे भी अगर ऐसी रोड के बीच में कहीं पे बस रोकनी पड़े, तो मेरे को ये सेक्शन बनाना पड़ेगा स्पेशली। अब चाहे तो अपन ये वाला सेक्शन डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट ये चलेगा। यहाँ पे वैसे भी अपन हाउसिंग वगैरह बनाएंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। वैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेक्शन है, चाहे तो अपन यहाँ पे भी कर सकते थे वो चीज़, बट ठीक है यहाँ पे रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा सेक्शन चल जाएगा। सो गाइज ये देख लो भाई, अपना ये वाला लेआउट है, तुमको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अपन धीरे धीरे आगे भी एक्सपेंड ही करेंगे, तो आज ही मतलब बस चलानी है कि इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एपिसोड अपना हो चुका है गाइस काफ़ी बड़ा, वैसे देखा जाए ना काफ़ी बड़ा हो चुका है एपिसोड, और अपने पास डिमांड भी आ रखे। तो यार ऐसा करते ना, फिर नेक्स्ट वाले एपिसोड में चलाते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरे को नो चीज़ का वो सेट करने का, इसको ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में फिल करवाते हैं। बाकी देख रहे हो भाई कितना कूल लग रहा है भाई, ऑसम लग रहा है ये वाला सीन मेरे को तो। एंड अभी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा लेंस वाली रोड्स वगैरह अपने पास रहे, ठीक है ना। बहुत बार डिमांड होती है तुम लोगों की है, जब भी अपने लास्ट वाले प्ले थ्रू गए उन सब के अंदर, कि भाई बड़ी रोड बनाओ, बड़ी रोड बनाओ, ठीक है। अब की बार वो चीज़ मैं पहले ही लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डाल दिया। जैसे जैसे अपने पास डिमांड आएगी ये सब फिल हो जाएगा। और रही बात ये वाले एरिया की, तो मैंने फिलहाल ये वाले एरिया के लिए सोचा है कि यहाँ पे अपना एक रेलवे स्टेशन रहेगा कार्गो का, और शायद इधर अपन पोर्ट वगैरह बनाएंगे। तो ये वाले एरिया के अंदर कुछ नहीं रहने वाले, ये सब मैं मूव वगैरह मूव कर दूंगा, ठीक है ना। तो
आज अपना ये प्लांट वगैरह का सेटअप तो हो ही गया है, और ये वाली चीज़ भी मैंने अभी तक जो है स्मूथ नहीं करी है यहाँ से, इसको भी स्मूथ कर देता, ठीक है ना। ओ हाँ, ये तो अपन डिलीट करना ही भूल गए भाई, जैसे कि ये वाले बिल्डिंग, ठीक है टर्न ऑफ कर दो भाई ये वाली बिल्डिंग को, और इसके एक एक करके सब डिलीट मार देते हैं अपग्रेड्स वगैरह, ठीक है ना। एनर्जी हटा के मैं डिलीट कर सकता हूँ ना, यस ये खाली हो चुका है ना। काम का पैसा देने की जरूरत क्यों है भाई अपने को, पैसा नहीं देंगे अपन काम का, क्योंकि अपनी ये वाली बिल्डिंग अभी चलना जो है शुरू हो चुकी है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये काफ़ी काफ़ी अपना एपिसोड जो है ओसम हो गया आज का। अभी मैं जा रहा हूँ लास्ट टास्क करने के लिए, और वो ये है इससे वाले एरिया को कर ही दे देते हैं भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या मैं यहाँ पे कुछ तूफानी कर दूँ, कुछ तूफानी कर दूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने डेकोरेशन वगैरह करके एकदम रेडी कर दिया है, ये देख लो भाई यहाँ पे रॉक्स वगैरह डाल के और उसमें घास फूस लगा के ट्रीज भी लगा दी भाई। और अभी ये वाला एरिया जो देख रहे हैं मैंने एकदम ओसम दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये वाले एरिया को ऑल्सो मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है, और इसके साथ में आज का अपना एपिसोड होता है गाइस कंप्लीट। आई होप तुमको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के शेयर और सजेशन हो वो देना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वाले एपिसोड में 100% गाइस अपन ये वाले एरिया को इम्प्रूव करने वाले हैं, और देखते हैं क्या कुछ अपनी सिटी के अंदर अपन करेंगे, ठीक है। और रही बात पॉपुलेशन की, तो देख लो भाई 9,500 हो गई, मैंने 9,000 का बोला था, 9,500 अपन ने पॉपुलेशन कर दिया, तो डेफिनेटली अगली वाले एपिसोड में 10,000 पॉपुलेशन अपन कर देंगे। और एजुकेशन का स्पेशली आज का अपना एपिसोड था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पे चल के देखूँ तो भाई यहाँ पे क्या चल रहा भाई, ओ माई गॉड 144 पैसेंजर वेटिंग। ये बस लाइन 5 है क्या, बस लाइन 5 के लिए नहीं, बस लाइन 1 पे, बस लाइन 1 का ये वाला स्टेशन कौन सा है भाई, और इस पे हाईलाइटेड वाला ये वाला, और इस पे दिखा रहा हूँ, हाँ इस पे 115 दिखा रहा है, ठीक है। तो बोले यहाँ पे ये वाली बस लाइन पे ना काफ़ी ज़्यादा बंदे आ रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक बस जाते जाते और ऐड कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, क्योंकि अभी जाते जाते मैंने देख लिया यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे खड़े हुए थे भाई हैवी भाई हैवी। और बसेज वगैरह कहाँ हैं अपनी, बसेज का डेपो यही है ना 20, आई थिंक अपने पास इनफ बसेज हैं फिलहाल के लिए, तो बाद में देख लेंगे। ये वाला एपिसोड होता गाइस इधर ही समाप्त, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए एंजॉय गाइस एंड टाटा बाय बाय गाइस।